गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, जितनी भी योजनाएं हैं जो इन्होंने अभी आयुष्मान योजना, ये सब बहुत बढ़िया है, मरीजों को बहुत फायदा मिल रहा है। एम्स खुला है, वो बहुत बड़ी मेडिकल फील्ड में हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा हर जगह व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार के तो वो खिलाफ है, कहीं भी गलत नहीं होने दे रहे हैं। काफी हद तक जितना जिस भी फील्ड में, चाहे मेडिकल हो या कोई भी और फील्ड, जहां भ्रष्टाचार की वजह से कॉमन एंड स्पेशली बीपीएल लाइन वालों को जो नुकसान था, जो उनका हक मारा जा रहा था, क्योंकि पैसे वाला आदमी तो कहीं भी चला जाएगा, उन लोगों को कहीं पर कोई ना सुनवाई थी, ना उनको कुछ फायदा हो रहा था। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सब मुझे बहुत आसानी से मेरे हिसाब से मिल रही है। देखिए, योगी सरकार में हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसको मैं पर्सनली अनुभव इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं खुद संविदा पे सरकारी अस्पताल में पोस्टेड हूँ। वो फाजिल नगर कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो मैं खुद जाती हूँ वहाँ, और जो सुविधाएं दी जा रही हैं महिलाओं को, जो जांचें नहीं होती थी, जो ऑपरेशन नहीं होता था, वो मैं खुद वहां पे सरकारी अस्पताल में कर रही हूँ। वो व्यवस्था उनको मिल रही है कि वो वहां पे सब चीज, चाहे बाथरूम की व्यवस्था हो, चाहे दवाई की व्यवस्था हो, चाहे पेशेंट का ऑपरेशन का केयर करना हो, सिस्टर्स का केयर करना हो, बाकी वहां डॉक्टर्स का केयर करना हो, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और इसके साथ साथ जो उनके साथ आशा और एएनएम जुड़ी हुई है, वो बहुत ही सुचारू रूप से अपने कार्य को, पेशेंट को लेकर के हमारे पास आती हैं। स्पेशली उन पेशेंट्स को जो, जिनको डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो जैसे कि जिसका शुगर बहुत बड़ा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या जो ये शरीर में खून की कमी है, उनको क्या करना चाहिए, पहले उनको पता ही नहीं था। मरीजों को उनकी अचानक मृत्यु हो जाती थी और वो उनका कोई इलाज नहीं होता था, लेकिन इस व्यवस्था में उन्होंने इतने सुचारू रूप से और सही तरीके से सब चीज को इतने ऑर्गेनाइज करके सब चीज व्यवस्था की है कि मरीजों को कोई अब ये पता है कि हाँ, अगर हम, मेरी तबीयत खराब है तो हमको कहाँ जाना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था 102-3-8, ये सब चीज की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम खुद अगर पेशेंट को, हमको हाई रिस्क है या कुछ प्रॉब्लम है, इमरजेंसी में उनको शिफ्ट करना है, तो 102 या 108 पे कॉल करने पे उनको हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज आराम से हम उनको रेफर कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके आने जाने की व्यवस्था में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और उनको इलाज भी सुचारू रूप से बहुत सही इलाज मिल जाता है। व्यवस्था में परिवर्तन आया है, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। इससे ये चीज है कि हम खुद, मतलब होने के बाद हम डेली वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं और फिर हम आ जाते हैं, ये खुद मेरे में भी परिवर्तन आया है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे में खुद में अंतर आत्मा में ये बदलाव आया है कि हमको ये चीज करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ही हम दूसरों को इम्प्रूव कर सकते हैं और दूसरों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं।